बिहार के भागलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, धराशायी हुए पुल पर, अब पॉलिटिक्स कैसे हो रही है 9 सेकंड न्यूज में देखिए। बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा, गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा। हादसे में कोई हताहत नहीं, पहले भी आंधी में गिर चुका था ये पुल। 2004 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास भी किया था। बिहार के पुल गिरने पर बिहार सरकार ने यह दावा किया है कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से पुल को गिराया गया। अधिकारी बोले, पुल के डिजाइन में खामियों को लेकर पुल को गिराने का फैसला किया गया। पुल गिरने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। बोले, पुल के डिजाइन में गड़बड़ी थी, हमने पहले ही पूरे पुल को गिराकर फिर से बनाने की बात कही थी। भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ऊपरी हिस्से के टूटकर गिरने की जांच होगी। सीएम नीतीश कुमार ने दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। भागलपुर हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बिहार बीजेपी। बीजेपी ऑफिस में दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुल हादसे पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सवाल उठाए हैं, कहा कि निर्माण कराने वाली कंपनी की सेटिंग, बड़े पुल का टेंडर इसी कंपनी को क्यों मिला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पुल हादसे को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश पर कसा तंज। बोले, बिहार में पुल शिलान्यास से पहले गिर जाते हैं, बांध चूहे को उतर देते हैं, अब बिहार को और कितना बदनाम करेंगे। पुल हादसे पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बिहार सरकार को घेरा, पूछा क्या नीतीश और तेजस्वी इस घटना के बाद इस्तीफा देंगे, ऐसा करके ये दोनों देश के सामने मिसाल पेश कर सकते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पुल हादसे पर सवाल उठाए हैं, कहा नियत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। पुल हादसे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा पुल का गिरना नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार मॉडल का नमूना, बिहार में पुल ध्वस्त और सरकार मस्त वाली योजना। पुल गिरने को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश और तेजस्वी का मांगा इस्तीफा। बोले, ये पुल दूसरी बार गिरा, अगर दोनों में जरा भी नैतिकता बची है तो तुरंत इस्तीफा दे। पुल हादसे के बहाने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बिहार के नीतीश तेजस्वी सरकार पर तंज कसा, कहा भागलपुर में पुल चारों खंभे जहां टिके हुए थे वो बोझ की तरह पूरी तरह से गिर गए, डूब गए। भागलपुर में गंगा पर बन रहे पुल के गिर जाने पर जेडीयू ने कहा हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, गड़बड़ी पर पाए जाने पर होगी कार्रवाई। बीजेपी ने कहा ये नीतीश तेजस्वी का भ्रष्टाचार मॉडल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।